ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ कि हमारे तहफ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की वजीर आजम पाकिस्तान से कह रहा हूँ, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि आवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें, कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है।